हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं 13 ऑनवर्ड्स उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास 12 इंटीग्रल्स की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। तो ये है प्रॉब्लम, क्या है? इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कॉस 2x का क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। उसी तरह के से हम लोग अल्फा के लिए भी कर लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और फिर यहाँ पे इसको पुट करके देखेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 2x के जगह पर ये डालेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर माइनस कॉस 2 अल्फा के जगह पे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, और ये हो गया dx। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर यहाँ पे ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल, और फिर 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 बाहर ले लेंगे हम लोग, और फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो अब तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा ऊपर में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको यहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 बाहर में है ही, फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो गया dx। यहाँ पे ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 और फिर ये हो गया कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, बच गया यही ना, तो फिर ये हो गया dx। अब इसको इंटीग्रेशन को हम लोग निकाल लेंगे बाहर, मतलब अलग अलग कर देंगे, कॉस एक्स dx और फिर प्लस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट हो गया ना, x नहीं है इसमें, तो कॉस अल्फा को बाहर करके फिर dx अंदर कर दिए इस तरह से, ठीक है। तो दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, ये 2 और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स, फिर प्लस ये है कॉस अल्फा, ठीक है, और फिर इन टू में x है, ठीक, और प्लस c, तो हो गया, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन एक्स प्लस ये x को पहले लिख लिया 2x और फिर cos अल्फा और प्लस c, ये हो गया अपना आंसर, सिंपल है ना। ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें हम लोग क्या करेंगे वो देखिए, ये इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या क्या आ सकता है कि ये जो 1 है, ठीक है, उसके बदले में हम लोग क्या आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये पुट कर देंगे 1 के जगह पे, और फिर साइन 2x जो है, इसका जो फार्मूला हम लोगों को पता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, ये करके इन दोनों को यहाँ पे डाल के देखिए क्या होता है, i इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ऊपर में, तो जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये दिख रहा होगा आपको किधर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, फिर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक, और ये dx, ठीक। अब देखो ये जो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन कॉस, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस वाई का, सॉरी कॉस वाई कहाँ से आ गया, कॉस एक्स ही है ना, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, तो यहाँ पे मान लो क्या मान लेंगे हम लोग, टी इक्वल टू साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है, और फिर डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और फिर ये डी टी मतलब डी एक्स, तो ये वाला टर्म ऊपर में जो है यहाँ पे ये तो मिल गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक, उसके जगह पे dt रिप्लेस कर देंगे और नीचे में t, देखो तो सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cos x sin माइनस साइन एक्स और इंटू डी एक्स, ये जो है ये टोटल क्या हो गया dt, और डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x क्या है t, तो t स्क्वायर, है ना, बस यही तो हो गया। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको t के पावर माइनस 2 dt हो गया, मतलब डायरेक्ट भी आपको याद होना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे ही आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ये कितना माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, माइनस 2 प्लस 1, तो अब सिंपल सी बात, ऊपर में बच गया टी के पावर माइनस 1, नीचे माइनस 1, तो माइनस 1 बाई टी लिख सकते प्लस सी,
ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस सी, ठीक। अब टी के जगह पर रिप्लेस कर दीजिए, क्या रिप्लेस कर देंगे, जो माने थे हम लोग माइनस वन बाई टी, क्या माने थे हम लोग, ये वाला टर्म साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो लिख दिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर प्लस सी तो है ही, हो गया आंसर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते, देखो क्यूब वाला फॉर्मूला तो कुछ हम लोगों को पता है नहीं, राइट। तो टेन स्क्वायर टू एक्स लिख लिए, फिर एक और टेन एक्स जो है उसको भी लिख लिए यहाँ पे टेन टू एक्स, ठीक है, तो ये मिलके दोनों हो गया टेन क्यू एक्स और इन टू सेक ऑफ टू एक्स, यही ना डी एक्स, राइट। अब टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर का क्या होगा फॉर्मूला, टेन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसमें टू एक्स है तो यहाँ पे टू एक्स हो जाएगा, मतलब टेन स्क्वायर टू एक्स है इक्वल टू सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, इसको रिप्लेस करेंगे इस वाले टर्म को, देखते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, ठीक है, ये हो गया टोटल इंटू टेन टू एक्स और सेक टू एक्स डी एक्स, हो गया ना, यही हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, सेक स्क्वायर टू एक्स है, ठीक है, अगर हम सेक स्क्वायर टू एक्स को टी मान लेते हैं तो डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो सेक एक्स का क्या होगा, सेक टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, फिर टेन टू एक्स और फिर टू एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे टू हो जाएगा, है ना, और फिर ये डी एक्स, हो गया। लेकिन हम लोगों को चाहिए कितना, इतना ही चाहिए ना, टेन टू एक्स सेक टू एक्स, लेकिन टू एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे तो डी टी बाई टू कर लेंगे, फिर ऊपर में इधर क्या बच जाएगा, सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स, हो गया। इसके बदले हम रिप्लेस कर देंगे क्या, डी टी बाई टू और सेक स्क्वायर एक्स तो हम लोग मान ही लिए हैं टी, तो अब देखो यहाँ पर रिप्लेस करो, सब्सिट्यूट करो, ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टू एक्स के बदले हम लोग देंगे टी स्क्वायर माइनस वन इंटू इस टोटल के बदले में क्या हो जाएगा यहाँ पे डी टी डिवाइडेड बाई टू, तो इक्वल टू वन बाई टू तो बाहर ले लिए, फिर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी, अब क्या कर लेंगे इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेंगे, वन बाई टू ये हो गया टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन माइनस डी टी का इंटीग्रेशन, बस तो इक्वल टू अब कर लो इसका तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा टी क्यू डिवाइडेड बाई थ्री माइनस इसका टी, ठीक है, और फिर प्लस सी। अब टी के जगह पे जो माने थे टी क्या था हमारा सेक टू एक्स टू एक्स, अब यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा सेक क्यू टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री माइनस सेक टू एक्स, ठीक है, फिर प्लस सी, यही तो अपना आंसर हो गया। अब ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको अगर दो भाग में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो अपना काम कुछ बनेगा, कैसे बनेगा वो देखो, टेन स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है, लिख के देखते हैं, एक टेन एक्स के बदले, इसके बदले लिख दिया हम लोगों ने सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, तो दिस इक्वल टू, अब इस टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इसको इससे और फिर इसको इससे, तो सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये टोटल का डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन, देखते हैं दो भाग में ये बढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। अब ये फिर से टेन स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इसके बदले फिर से ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस लिख के देखते हैं क्या होता है, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक, और ये हो गया डी एक्स, दिस इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग कि अगर इस टेन को टी मान लें, मान लो लेट टी इक्वल टू कितना टेन एक्स, ठीक है, तो डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, है ना डी एक्स, तो सेक स्क्वायर है ही यहाँ पे और टेन एक्स है ही, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा इस सब्स्टिट्यूशन से, और ये तो सेक एक्स का तो टेन एक्स डायरेक्ट होता है ना, तो अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स ये दोनों मिलकर क्या हो गया डी टी, और टेन स्क्वायर एक्स के बदले क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर डी टी इसको लिख सकते हैं, इस पूरे वाले इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर डी टी, और फिर माइनस अब क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग करके लिख देंगे, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का तो हो जाएगा टेन एक्स, अरे बात समझ में टेन एक्स, और फिर माइनस तो है यहाँ पे वन डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, अच्छा चलो इसको ऐसे करते हैं, अभी जब ये ही नहीं है तो ऐसे तो कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस और ये हो गया डी एक्स, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं,
तो अब इसके इसके मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू इसका हो गया क्या टी क्यू बाई थ्री और फिर माइनस सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा टेन एक्स, तो हो गया टेन एक्स और फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा और फिर प्लस सी। अब टी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, टी क्या था अपना टेन एक्स, तो दिस इक्वल टू टेन क्यू एक्स ठीक है डिवाइडेड बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस सी, यही हो गया इसका आंसर है ना। ये तो बहुत ईजी है, कैसे ईजी है वो देखो, इसको अगर हम लोग अलग अलग कर लें ठीक है, मतलब देखो क्या अलग अलग करने की बात कर रहे हैं, साइन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और फिर प्लस कॉस क्यू एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ठीक है, और ये टोटल का क्या है डी एक्स है ठीक। यहाँ पे क्या है, ये साइन स्क्वायर एक्स जो है इसके तीन से कट जाएगा, यहाँ पे इसका जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसके तीन से कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या फ़ायदा हो गया दिख रहा होगा आपको, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स को फिर उसी तरीके से साइन एक्स इंटू साइन एक्स ठीक है, ये हो गया डी एक्स, दिस इक्वल टू अब कितना हो जाएगी साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये वाला कितना हो जाएगा सोचो, ये हो गया टेन एक्स सिंपल है, और फिर वन बाई कॉस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स हो गया ना सेक एक्स, और फिर प्लस उसी तरीके से कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कितना हो गया कॉट एक्स, और फिर वन बाई साइन एक्स इक्वल टू कितना कॉस एक्स ठीक है, और ये हो गया डी एक्स। अब दोनों को इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लिए, टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया फिर अलग कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आपको नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो दुखद बात है ना, ये हो गया सेक एक्स और फिर इसका हो गया माइनस ठीक है माइनस कॉस एक्स और फिर कांस्टेंट ठीक है, तो ये इसका सिंपल है, तो इंटीग्रेशन ये सब फॉर्मूले आपको पते होने चाहिए फिर इसका आंसर निकल जाएगा ठीक है। ये भी बहुत ईजी है 18 नंबर, इसमें क्या है कॉस टू एक्स वही वाला फार्मूला जो हम लोग हमेशा लगाते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, क्यों लगाए साइन वाला क्योंकि यहाँ पे पहले से एक साइन है, देखो डाल के क्या होता है कॉस टू एक्स के बदले 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा ना कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ये दोनों तो भाई साहब 31 हो गया, बचा क्या 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्ट कॉस स्क्वायर है 1 बाई, तो इसको कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आपको पता नहीं है, पता है टेन एक्स फिर प्लस सी हो गया आंसर, ये तो एक ही लाइन का था, इसमें कुछ भी नहीं करना है ठीक है। अब ये है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है देखो, इसमें हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे क्या लगेंगे देखो, और ये सब देखो ये जब होता है हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि पहली बार में कैसे बनेंगे, विदाउट प्रैक्टिस बनना बहुत मुश्किल है, पहली बार में थोड़ा सा तो आपको कहीं देखना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा देर सोचना पड़ेगा है ना इन सब तरह के प्रॉब्लम्स में ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। वन बाई अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये साइन एक्स है ठीक है, इसमें कॉस एक्स से हम लोग डिवाइड कर दिए तो टेन एक्स हो जाएगा, ये इन कॉस एक्स से डिवाइड किए तो यहाँ पे कॉस एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे, और पहले से एक कॉस क्यू एक्स पहले से है यहाँ पे है ना, तो इसको डी एक्स लिख ली। तो अब दिस इक्वल टू अब कितना हो गया ये वन बाई कितना है, ये तो हो गया टेन एक्स है कि नहीं, ये कितना हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज कितना टेन एक्स, टेन एक्स इंटू कॉस का पावर कितना हो गया फोर क्योंकि तीन पहले से था एक एक्स्ट्रा आ गया, तो डी एक्स दिस इक्वल टू अब वन बाई कॉस स्क्वायर कॉस फोर एक्स है, तो ये इसको हम लोग लिख सकते क्या सेक फोर एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स, ये हो गया डी एक्स ठीक। अब फोर एक्स सेक फोर एक्स का कोई इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है, हम लोग क्या कर लेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे दो भाग में, क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख लिए इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख लिए ठीक है, और डिवाइडेड बाई टेन एक्स ले लिए ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर डी एक्स है, अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, ये फार्मूला तो यूनिवर्सल है आपको पता होना चाहिए ठीक है। तो एक के बदले हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ठीक, और एक सेक स्क्वायर छोड़ देंगे सेक स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई टेन एक्स तो पहले से इधर है, तो ये हो गया डी एक्स इंटीग्रेशन ठीक।
अब क्या करें हम लोग यहाँ पे, ये सोचिए, अगर हम लोग यहाँ पे 10x को कुछ मान लें तो काम बनेगा क्या अपना? देखिए तो मान लिए कि लेट t इक्वल टू 10x, ठीक है, तो अगर dt हम निकालें तो कितना निकलेगा? sec स्क्वायर x dx निकलेगा ना, ठीक है, तो sec स्क्वायर dx ये जो टर्म है इसके बदले क्या निकल के आ गया अपना? dt, और 10x तो t मान ही लिए तो ये भी t हो गया और ये वाला t स्क्वायर हो जाएगा, तब तो काम बन जाएगा। देखो बना के i इक्वल टू 1 प्लस t का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 10x है तो उसके बदले t हो जाएगा और इस पूरे के बदले कितना हो जाएगा? dt हो गया, है कि नहीं। तब इसको हम लोग अलग अलग करके देखते हैं, 1 बाई टी हो गया एक dt और फिर प्लस t स्क्वायर बाई t है तो वो t हो गया t dt, ठीक, तो 1 बाई टी है तो इसका हो गया log t इंटीग्रेशन, ठीक है, और फिर प्लस उसका हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू। अब अपना काम क्या है कि t के जगह पे जो हम लोग माने थे उसको रिप्लेस कर दें, क्या माने थे? 10x, तो log कितना हो जाएगा? 10x हो गया और t के जगह पे 10 स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई टू तो है, ठीक है, और फिर प्लस c भी है, यहाँ पे भी प्लस c, ठीक, ये हो गया अपना आंसर। अब ये प्रॉब्लम है 20 नंबर, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें सिंपली ये cos 2x है, cos 2x, सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा है, ठीक है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक। अब क्या कर लेंगे हम लोग, इसके बदले रिप्लेस कर देंगे तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये जो है cos स्क्वायर x, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? cos x माइनस sin x और फिर इंटू क्या लिख सकते हैं? cos x प्लस sin x, ये प्लस b इंटू ए माइनस b, है ना, लिख सकते हैं। तो दिस इक्वल टू, इसको ऊपर में क्या लिख सकते हैं हम लोग? cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तब ये ऊपर में एक और ये है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया कितना? cos x माइनस sin x, और समझने में आसानी होगी, इसको मैं लिख रहा हूँ sin x प्लस cos x, बात तो बराबर ही है, और ये dx भी साथ में चल रहा है भाई साहब, ठीक है, ये कहीं छूट जाए तब उसको गलत मत बोल देना कि ये गलत है, ठीक है, ये हो गया dx, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो सिंपल सी बात है, टी इक्वल टू अगर हम लोग मान लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो अब डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स। अब इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, कि किसको? ये वाले में, तो आई इक्वल टू अब कितना हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, पूरा का पूरा मिल गया कितना? डी टी, और डिवाइडेड बाई कितना? ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हम लोग क्या मान लिया? टी, तो डिवाइडेड बाई टी, अब ये तो हो गया लॉग टी भाई साहब, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, प्लस सी, तो अब टी के जगह पे जो माने थे, टी क्या माने थे हम लोग? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पुट कर दो लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और फिर प्लस सी, हो गया, ये तो सिंपल सा था आंसर। अब देखो ये भी सिंपल है, इसमें क्या है, अगर साइन इनवर्स साइन एक्स होता तो उसका वैल्यू एक्स हो जाता है ना, लेकिन यहाँ साइन तो है नहीं, कॉस है, तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे किस तरह से? ये तो पता है ना कि कॉस एक्स इक्वल टू कितना होता है? साइन में अगर चेंज करना चाहे तो पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है? कॉस एक्स, उसको यहाँ पर रख दो, तो ये हो गया साइन इनवर्स, ये क्यों? क्यों? क्योंकि एक साइन हमको मिले यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस कितना? एक्स डी एक्स, तब साइन इनवर्स साइन एक्स हो गया, तो इसके बदले टोटल एक्स ही हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कितना बचा? पाई बाई टू माइनस एक्स, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया? पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, ठीक। अभी दोनों को अलग अलग कर लो, पाई बाई टू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, अब पाई बाई टू तो कॉन्स्टेंट है ना, तो पाई बाई टू आ गया बाहर और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्स, फिर माइनस ये कितना? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, यही तो आंसर हो गया, और तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, नहीं इसको क्या लिखते हैं? कुछ नहीं लिखना, यही आंसर हो गया, ठीक है, और हाँ प्लस सी तो लिखना है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, इसमें क्या है कि पहली बार में बनेगा नहीं, ये एक बार बनाओगे कोई बताएगा फिर ही बनेगा जल्दी इन जनरल, अब वो बहुत तेज बच्चा होगा वो कुछ सोच ले तो अलग बात है, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोग को कि ऊपर में आप लिख दो इसको, इसका कोई प्रॉपर वे नहीं है, राइट, एक्स माइनस ए माइनस इसको लिख दो आप एक्स माइनस बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक, और डिवाइडेड बाई क्यों लिखे ऐसा ये पता चल जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस
एक्स माइनस बी, ठीक है। तो ऊपर में जो लिखे तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई साहब ये नीचे में भी लिखना पड़ेगा क्या, लिखना पड़ेगा। अब जैसे एक्स माइनस ए है और माइनस एक्स माइनस बी है, करने से क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म इसको कैलकुलेट करके माइनस एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस बी, ये कट गया तो बी माइनस ए होता है, ठीक है। तो वन बाई साइन बी माइनस ए से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया टोटल डी एक्स। तो वन बाई साइन बी माइनस ए, बी एक्स में तो नहीं है इसमें कुछ, ये कॉन्स्टेंट हो गया, इसको बाहर कर लिया हम लोग, ठीक है। वन बाई साइन बी माइनस ए बाहर हो गया, और फिर इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर कितना हो गया, साइन एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, डी एक्स। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो कि साइन ए माइनस बी है क्या, साइन ए माइनस बी इस तरह का कुछ दिख रहा है ऊपर में, इसके इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे, ऊपर वाले में जब करेंगे तो कितना होगा, वन बाई साइन बी माइनस ए, ठीक, और इंटीग्रेशन साइन ए कॉस बी, तो साइन ए, ए क्या है, अब इसको मान लिया हम लोग ए, इसको मान लिया हम लोग बी, तो साइन एक्स माइनस ए और कॉस बी, बी कितना हो गया एक्स माइनस बी, फिर माइनस साइन बी, साइन बी कितना हो गया एक्स माइनस बी इंटू कॉस ए, ए की जगह पर कितना एक्स माइनस ए, ठीक, और डिवाइडेड बाई जो यहाँ पे चलता आ रहा है एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, डी एक्स। अब इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है, दोनों को अलग कर देते हैं, वन बाई साइन बी माइनस ए और इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, और फिर माइनस साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, और ये सब के सब डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, देखो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, ठीक। तब दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वन बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस कितना हो गया, ये टेन, ठीक है, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा टेन, टेन एक्स माइनस ए लिख देंगे यहाँ पे, टेन एक्स माइनस ए, और फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस यहाँ भी है एक्स माइनस बी है, तो ये भी हो जाएगा टेन एक्स माइनस बी, ठीक है, ये टोटल का डी एक्स। अब इन दोनों को अलग अलग करके देख लेते हैं क्योंकि क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे वन बाई साइन बी माइनस ए, ठीक है, और इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए सॉरी एक्स माइनस क्या है यहाँ पे बी, ठीक है, डी एक्स। तो अब टेन टेन एक्स है, टेन एक्स का अगर हम लोग ये लिखेंगे इंटीग्रेशन टेन एक्स का तो कितना हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत सारा याद करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन में सब कुछ ही याद करना है, बहुत याद करने वाला चैप्टर इसको आप बोल सकते हैं, नहीं याद होगा तो फिर बनेगा नहीं। तो हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है यहाँ पर एक्स माइनस ए, ठीक है ना, और फिर माइनस, अब इस टेन का फिर से माइनस होगा तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग कितना लिख सकते हैं, लॉग कॉस और फिर एक्स माइनस बी, ठीक, और फिर प्लस सी आ गया यहाँ पे, ठीक। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, ये देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, ये लॉग ए हो गया, ये लॉग बी हो गया, और ये माइनस है यहाँ पे, ये प्लस है, समझ आ रही बात, लॉग ए माइनस लॉग बी अगर लिखा हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो दिस इक्वल टू वन बाई साइन बी माइनस ए इंटू लॉग कितना हो जाएगा, पहले ए माइनस बी, तो ए यहाँ पे ये प्लस में पहले वाला है, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई
cos x माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं, हो गया, इसी यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या था कि आपको पहली बार में शायद ना बने, जब तक आपको कोई आपको बता ना दे तब तक आपसे बनेगा नहीं शायद, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा होगा या ज़्यादा दिमाग लगाने वाला होगा तो वो बना सकता है। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम इसमें क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है और डिवाइडेड बाई, इस तरह से इन दोनों को अलग अलग कर लो, ये तो सिंपल है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी डी एक्स नहीं लिखते हैं अभी, ठीक है, फिर लिखते हैं इसको माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इसका डी एक्स लिखते हैं, तो दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, वन बाई कॉस स्क्वायर है तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी फिर से डी एक्स लिख दिया हमें, चलिए सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो वन बाई इतना है तो ये हो गया कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक, अब इन दोनों को अलग अलग कर लो तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये तो सिंपल आपको याद हो गया, ये हो गया टेन एक्स और ये हो गया माइनस इसका माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये हो गया इसका आंसर कौन सा है, टेन एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस कितना, ये तो ए हो गया इसका आंसर, तो ठीक है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये है प्रॉब्लम, इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, ये देखो एक्स ई एक्स है ना, अगर उसी को हम लोग टी इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू एक्स है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें डी टी इक्वल टू, तो यू इंटू वी है, यू को छोड़ दिए, वी को कर दिए, वी को कर दिए, यू को छोड़ दिए, इस तरह से करते हैं, हम लोग को पता है ई टू पावर एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, फिर प्लस एक्स को छोड़ दिए, ई का डिफ्रेंशिएशन फिर से ई एक्स, ठीक है, और ये टोटल हो गया कितना डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ई एक्स को अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो वन प्लस एक्स डी एक्स, ये ऐसा क्यों हम लोग किए इक्वल टू डी टी, क्योंकि ऊपर में ई टू द पावर एक्स वन वन प्लस एक्स डी एक्स, इसके बदले क्या लिख देंगे डी टी, और एक्स ई एक्स के बदले क्या लिख देंगे टी, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर में हो गया डी टी और नीचे में हो गया कॉस स्क्वायर टी, यही हो गया ना, और तो कुछ इसमें है नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर टी डी टी है ना, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, अब इसके बदले कितना हो जाएगा ये टेन टेन टी प्लस सी, अब टी के बदले रिप्लेस कर दो टेन ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, ये हो गया आई, कौन सा है आंसर टेन ई टू द पावर एक्स बी, ठीक है, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 ख़त्म होता है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तब तक थैंक यू।